नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल अभी छटे नहीं है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक प्रोफाइल से हटाया कांग्रेस हिमाचल का सेवक लिखा, सीएम सुखू ने बुलाई कैबिनेट बैठक। अब 85 साल से अधिक उम्र के लोग ही कर सकेंगे डाक मत पत्रों से मतदान, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला। अब तक 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को अब तक मिलती थी यह सुविधा। युवराज सिंह ने गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया, उन्होंने साफ कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बेंगलुरु कैफे धमाके की 3 मॉड्यूल पर जांच एजेंसियों को मिला आईईडी सर्किट, यूएपीए के तहत मामला दर्ज, सीएम सिद्धारमैया ने बुलाई बैठक। पुलिस के अनुसार रेस्तरा में एक ग्राहक ने हाथ धोने की जगह के पास एक बैग छोड़ा जिसमें टाइमर लगे आईडी में विस्फोट हुआ। बैग पकड़े संदिग्ध ने अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी और मास्क पहन लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में सेलिब्स का जलवा। अबुधाबी का पहला हिंदू मंदिर शुक्रवार को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य के लंबित बकाए का मुद्दा भी उठाया। एडीआर रिपोर्ट से खुलासा, राज्य के 33% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले, कुल संपत्ति 19,600 करोड़ रूपए। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने पार्टी के पदों को छोड़ने की इच्छा जताई, बांदोपाध्याय पर साधा निशाना, कहा उन्हें लगता है कि वह व्यवस्था में फिट नहीं बैठते। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।